पूरे देश में तेजी से पांव पसार रहे लंपी नामक बीमारी अब बालाघाट जिले के मवेशियों को भी अपनी चपेट में ले रही है। 2023 के शुरुआत से ही बालाघाट जिले में लंपी वायरस की बीमारी पशुधन में देखने को मिल रही थी, लेकिन फरवरी व अप्रैल माह में यह बीमारी तेजी से फैल गई। स्थिति यह है कि अप्रैल माह में मात्र 13 दिनों में ही 80 से अधिक पशुधन इस बीमारी से ग्रसित होकर उपचार के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचे हैं, तो वहीं करीब 3000 की संख्या में पशुधन के मालिक कॉन्फ्रेंस समेत अन्य माध्यमों से पशुधन का उपचार कराने के लिए पशु चिकित्सकों से सलाह मांग रहे हैं। जबकि इस बीमारी से मार्च अप्रैल के माह के 2 या 3 माह में 18 से अधिक मवेशियों की मौत भी हो चुकी है, वहीं पशुओं में यह बीमारी लगातार बढ़ते ही जा रही है। बालाघाट जिले में फरवरी माह में 150 से अधिक पशुधन लंपी नामक बीमारी से ग्रसित हो जाने पर पशु चिकित्सालय तक उपचार के लिए पहुंचे थे, तो वहीं मार्च माह में 200 से अधिक केस पशु चिकित्सालय आए थे, तो वहीं अप्रैल माह में इन 14 दिनों में 80 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक जिले में 18 से अधिक पशुधन लंपी की बीमारी से मौत भी हो चुकी है। वहीं तेजी से पहले इस बीमारी से पशुपालक व किसान चिंतित होने के साथ ही दहशत में आ गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग की इस बीमारी से पशुधन को बचाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है, लेकिन सड़क पर आवारा घूम रहे मवेशियों में भी लंपी बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिससे इस बीमारी की और भी तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि लंपी नामक बीमारी 2-3 माह में पशुओं में तेजी से फैल रही है। फील्ड में लगभग 2000 से अधिक पशुओं की जांच की गई। वहीं जिले भर में 55 संस्थाओं के माध्यम से पशुओं को उपचार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में 6 लाख के करीब पशुओं की संख्या, जबकि जिले भर में कार्यरत चिकित्सक 26 है। वहाँ एक एक चिकित्सक के अंतर्गत 3 से 4 केंद्र दिए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पशुओं की तुलना और संस्थाओं के मुकाबले पशु चिकित्सक की काफ़ी कमी है। लंपी वायरस के संक्रमण के कारण पशुओं को बुखार आने के साथ साथ उनके शरीर में गांठें पड़ जाती है। लंपी वायरस बीमारी पशुओं के लिए जानलेवा हो सकती है। लंपी के लक्षणों में पशुओं में तेज बुखार आना, दूध उत्पादन में कमी होना, भूख न लगना, नाक से पानी निकलना और आंखों में पानी आना शामिल है। साथ ही पशुओं के पैरों में सूजन, लंगड़ापन आने की वजह से काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। लंपी एक स्किन डिसीज चल रही है, लंपी स्किन डिसीज एलएसडी, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं। गौवंशी पशु में ज़्यादा इसके लक्षण पाए जाते हैं। जो पशु है उसके शरीर में गांठ गांठ हो रही है, पशु बुखार रहता है, खाना पीना कम कर देता है। और अभी जो नए केसेस देखने को मिल रहा है उसमें स्थिति आ रही है कि जो उसके जोड़ है पैरों के निचले जोड़ है उसमें सूजन देखने को मिल रही है, उस कारण से लंगड़ाहट भी पशु में पाई जा रही है। कब से देखी जा रही है बीमारी? अभी तक तो हालांकि ये पिछले साल भी रिपोर्ट हुई थी और उसके बाद से लगभग पिछले महीने मार्च में कुछ कुछ केसेस यहाँ आना शुरू हो गए थे और इस महीने भी अभी तक जारी है। लगभग मार्च महीने से काफ़ी रिपोर्टिंग शुरू हो गई इसकी। कितने क्या? इसी तरह लालवरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली में भी एक मामला ऐसे सामने आया जहां मुन्ना विश्वकर्मा के घर की गाय लंपी वायरस बीमारी से ग्रसित हो गई थी, जिसका उपचार भी किया गया परंतु बुधवार को उसकी मौत हो गई। इसी तरह यह धीरे धीरे ग्राम में पशुओं में लंपी वायरस का संक्रमण फैलते जा रहा है, जिससे पशुपालक बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में लंपी वायरस बीमारी से पशुओं की मौत होने की जानकारी भी सामने आ रही है। बुधवार को अमोली के पंचायत भवन के सामने टीकाकरण शिविर आयोजित कर लंपी वायरस बीमारी की रोकथाम के लिए करीब 300 पशुओं को टीका लगाकर पशुपालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।